So hello, good morning everybody. I hope everyone is doing great and welcome back to my YouTube channel. I'm back again with an interesting vlog. अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं इतने सवेरे सवेरे obviously पहली बार उठी हूँ and just to shoot a vlog. Basically it's gonna be a campus tour. So guys, we are on our way for a female girls intern hostel. हॉस्टल के जस्ट सामने आपका स्पोर्ट्स क्लब है और एक MPH हॉल है, तो आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इट. लेट मी शो यू, दिस इज द बैक साइड ऑफ द MPH हॉल एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में हियर इट्स द स्पोर्ट्स क्लब. अच्छा हमारा बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है. ये अभी हमारा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, उसका नाम था युवोत्सव. This is our table tennis court. यहाँ पे हम टीटी खेलते हैं. मेरे कॉलेज में बंदर भी बहुत प्रोमिनेंटली देखे जा सकते हैं. ये तो सिर्फ एक बंदर है यहाँ पे. ये तो सिर्फ एक बंदर है यहाँ पे. बंदरों की एकदम लाइन निकलती है. तो हम स्पोर्ट्स क्लब से बाहर आ चुके हैं एंड अब आपको दिखाती हूँ मैं बैक साइड ऑफ द एकेडमिक ब्लॉक. मल्टीपर्पज हॉल है. सो दिस इज़ बेसिकली आर गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पे फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर की गर्ल्स रहती हैं. इसको आई इंट्रोड्यूस इट एट द लास्ट बिकॉज वापस यहीं आना है. तो ऑब्वियसली एक कार्यशाला है हमारा, छोटा सा ऑफिस. आप देख सकते हैं मेरे कॉलेज में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है. सो दिस इज द एकेडमिक ब्लॉक जहाँ पे हम पढ़ने आते हैं. अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं डिपार्ट सिंस अंदर जाना अलाउड नहीं होगा, सब लॉक्ड होगा अभी, तो मैं आपको बाहर से डिपार्टमेंट्स दिखाती हूँ. I hope you can appreciate Department of Anatomy.
Then on first floor, it's Department of Pathology. Then on third floor, it's Department of Microbiology. And this is the main entrance. And academic block ke just opposite mein hamara administrative block hai. Ye dome shaped. Prashasnik Bhavan. Moon can still be appreciated in the sky. This is our library. Aur ye hamara study area. Ye closure inside hai Prashasnik Bhavan ka. Beech mein you can spot a little garden. On to the next thing, that is the auditorium. Administrative block ke just side se aapka auditorium hai. This is the administrative block, and just here is the auditorium. There you go. बीच में छोटा सा गार्डन एरिया है. गर्ल्स हॉस्टल के सामने. देन यू हैव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. छोटा सा बैंक है आपके कैंपस के अंदर. एंड इट इज टू द नियरेस्ट स्पॉट फ्रॉम द गर्ल्स हॉस्टल. बैंक के जस्ट सामने गेस्ट हाउस है. सो गेस्ट हाउस से जस्ट साइड में आपका गर्ल्स हॉस्टल है. यू कैन सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. और ये बैक डोर ऑफ द डाइनिंग हॉल दिख रहा है. लेट्स सी. For the recent times, it's my hostel. And ये है हमारा MPH. MPH stands for multi-purpose hall. And इसमें भी दो badminton court तो नहीं है ये, but दो badminton net लगे हुए हैं. Let's go inside and see.
Medical College and it's actually raining. It's basically drizzling around everywhere and my lenses geele ho chuke as you can see. So college ke just enter karte hi sabse pehle padti hai hamare yahan pharmacy jo ki campus ke andar hai. क्योंकि ये वीडियो मैं मॉनसून के टाइम शूट कर रही थी तो आपको जगह जगह पानी भरा मिलेगा. देन नेक्स्ट आफ्टर फार्मेसी इज द इमरजेंसी जो कि डायरेक्ट आपको एंट्रेंस से दिखती है. ऑन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फार्मेसी के बाद आता है आपका ओपीडी. ओपीडी की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और पेशेंट आउटफ्लो भी काफ़ी अच्छा है. आप देख सकते हैं जैसे कितने सारे व्हीकल्स पार्क हैं. चलिए मैं अपने कॉलेज कैंपस के अंदर बाकी डिपार्टमेंट्स दिखाती हूँ. जैसे ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिल्डिंग इज ऑफ ICCU. देन अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिल्डिंग दैट इज ऑफ ऑपरेशन थिएटर. एंड दिस डिपार्टमेंट इज ऑफ एनेस्थीसिया. क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैंपस है मेरा तो मैंने सारे व्हीकल पे शूट किए हैं वीडियोस. नेक्स्ट इज द मॉड्यूलर OT. फिर हमारे कैंपस में ही सीनियर बॉयज़ हॉस्टल है जो कि 300 बेडेड हॉस्टल है. यहाँ पे सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं. और सीनियर बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट सामने है बड़ा सा प्लेग्राउंड जहाँ पे क्रिकेट मैच चलता है. देन नेक्स्ट इज ऑफ सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल जहाँ पे जिसको हम एक्चुअली SR हॉस्टल भी बोलते हैं. सारे सीनियर रेजिडेंट्स रहते हैं और उन्हीं के एरिया में पार्किंग भी है उनके व्हीकल्स के लिए. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज द जूनियर रेजिडेंट हॉस्टल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज JR हॉस्टल. आफ्टर JR हॉस्टल इज द न्यू बॉयज हॉस्टल जिसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं. न्यू बॉयज हॉस्टल के पास में जनरल वार्ड की बड़ी सी बिल्डिंग है और उसी में अब कैंटीन भी खुल गया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मेल इंटर्न हॉस्टल को कैप्चर करना भूल गई थी सो एडिंग दिस वीडियो एट द लास्ट. We have diagnostic center as well in our campus only. And after that, moving on to the last thing, that is mortuary and postmortem center as well in our college. चलते हैं कैंसर और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल साइड. पूरी बिल्डिंग अच्छी सी बढ़िया सी बनी हुई है. यह वी हैव एन OPD बट अभी ये नॉन फंक्शनल है तो हम यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स के लिए ये स्पेस को यूटिलाइज करते हैं.